राजस्थान से लौटकर मकड़ाई 24 एक्सप्रेस संवाददाता के यदुवंशी। सिवनी मालवा, राजस्थान जयपुर सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के मुंडरू गांव में बाबा श्याम का अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। ये मंदिर जमीन के अंदर 16 फीट की गहराई में है। साथ ही अब नव मंदिर ऊपर बनाया गया है, जो कांच की कारीगरी और श्याम लीला के चित्रण से अत्यंत सुंदर बना है। यहाँ श्याम बाबा के दो शीश के दर्शन प्राप्त होते हैं। जमीन के नीचे जो मंदिर है वो यहाँ खुदाई में प्राप्त हुआ था। ये मंदिर किसने बनाया और कब बनाया इसके बारे में कोई नहीं जानता है। खुदाई में मिले इस मंदिर में श्याम बाबा के शीश को ऊपर नए मंदिर में स्थापित किया गया है। नीचे जमीन के नीचे शीश है। यहाँ दर्शन कर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। यहाँ जात जदूलों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हर श्याम भक्त को यहाँ एक बार आकर बाबा के संभवतः सबसे प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। सीकर जिले से ये 57 किलोमीटर तो श्री माधोपुर से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिंगस से ये दूरी 13 किलोमीटर तो खाटू श्याम जी से ये दूरी है। होशंगाबाद जिले के तहसील सिवनी मालवा के श्याम भक्त अतुल शर्मा, दिलीप अग्रवाल, के यदुवंशी, विक्रांत अग्रवाल, सुरेंद्र कुशवाहा, संजू राजपूत ने बाबा श्याम के दर्शन किए और सभी भक्तों से यहां आने की अपील भी की है। चाइल्ड केयर स्कूल के संचालक अतुल शर्मा जी से हम चर्चा करेंगे, जो राजस्थान मुंडरू मंदिर से लौटकर आए हैं। शर्मा जी, वहाँ का अनुभव आप बताइए। मैं प्रतिवर्ष खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, परंतु इस बार मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मुंडरू बाबा श्याम के मंदिर के बारे में पता लगा, उसके विषय में पता लगा, तो मैं वहाँ दर्शन करने के लिए गया। वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि यह अति प्राचीन मूर्ति है और किसने और कब स्थापित की थी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहाँ पर जब देखा तो दो प्रतिमाएं, दो शीश स्थापित हैं बाबा के, एक नव मंदिर में जो कि पुराने मंदिर के ऊपर बना हुआ है, दूसरे तल में बाबा श्याम की पुराना शीश जो कि खुदाई में प्राप्त हुआ था वह स्थापित है। जब मैं वहाँ पहुँचा, नीचे वाले मंदिर में, जब तलघर के मंदिर में मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। साथ ही एक अलौकिक अद्वितीय ऊर्जा का प्रभाव मुझे महसूस हुआ। वहाँ जाकर ऐसा लगा कि यहाँ पर वाकई कोई ना कोई देवी शक्ति है या कोई पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर वर्क करती है। तो वहाँ का कुल मिलाकर यह कहा जाए तो एक अलौकिक अद्वितीय अनुभव मुझे प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय।